पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने बुधवार को वार्ड 29 भाजपा प्रत्याशी राहुल देव वरुण के समर्थन में जनसंपर्क किया और लोगों से मुलाकात करके अपने समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने सर्वप्रथम वार्ड 29 भाजपा प्रत्याशी राहुल देव वरुण के चुनाव कार्यालय का फीता काट कर उद्घाटन किया और नए कार्यालय की शुभकामनाएं दी। दोनों ही क्षेत्र में जनता से मिले और बातचीत की। सभी ने फूल मालाएं पहनाकर महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल और वार्ड 29 भाजपा प्रत्याशी राहुल देव वरुण का स्वागत किया गया। इस अवसर पर विनोद अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जनहित की हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं जो जनता के हित में है और जनता ने उनका लाभ लिया है। आज लाइन पर हनुमान नगर वार्ड नंबर 29 चौकी में कार्यालय का शुभारंभ और डोर टू डोर प्रचार का काम कई दिन से शुरू हो चुका है, पर आज जो है विधिवत रूप से आज ये स्थान स्टार्ट किया गया है। कल से रोड शो शुरू हो जाएंगे, 4 दिन रोड शो पूरे महानगर में रहेंगे और 1 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा होगी और इसके बाद 2 तारीख से विनोद अग्रवाल फिर से। चुनाव की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और सभी लोग साथ में, पूरे क्षेत्र से प्रेम मिल रहा है और आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है माननीय महापौर जी के द्वारा। कैसा माहौल है आपके? बहुत बढ़िया, भाजपा की लहर है और इस बार पूर्णतः सभी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। जो विपक्षी है उनको वो कहीं चुनौती दे रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई विपक्ष नहीं है, ना समाजवादी है ना बसपा है, यहाँ निर्दलीय हैं, 2-3 हैं, वो भी विजय होने उनका संभव नहीं है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।